जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अकरम जी मेरा नाम है। अकरम साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ 125 के करीब मुकदमा दर्ज हैं, आपके ख्याल से वो सही दर्ज हैं या गलत दर्ज? गलत है, बिल्कुल गलत है। उसकी क्या आपको लगता है वजह? उसकी वजह ये है कि ये जितने भी सियासतदान हैं ना, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी की बात नहीं करता, उसमें यह कि ये जाति लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इन्होंने जाति रंजिशें मुल्क के लिए कोई बेहतरी नहीं कर रहा है, ठीक है जी। उन्होंने इमरान खान ही उनके खिलाफ बनाए, तो उन्होंने जाति बदला लेने के लिए इनके खिलाफ बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर पर्चे गलत है, उनके खिलाफ भी गलत है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ ना कुछ था उसमें, बीच में निकला कुछ ना कुछ। लेकिन इमरान खान के खिलाफ तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए बनाए, इमरान खान के खिलाफ होने नहीं चाहिए पर्चे, नहीं होने चाहिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, नहीं होने चाहिए। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं, सलाखों के पीछे डालते हैं, तो क्या राय है आपकी इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक तो कार्रवाई ज़ाहिर होगी, 125 मुकदमा था उनके खिलाफ। देखो जी, अगर झूठे मुकदमे में अगर कोई किसी को फंसाना चाहता तो पाकिस्तान में तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। आपके ख्याल से ये गलत है? गलत है, गलत है। और जो ये कर रहे हैं, आपके ख्याल से ये फ़ायदा हासिल कर पाएंगे, इमरान खान से छुटकारा मिल जाएगा इस तरह करके? बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि इसकी जड़ें बड़ी गहरी हो चुकी हैं, ठीक है। ये इतनी आसानी से इसको मतलब के रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल है, उनको लिए बहुत मतलब कि मेहनत की ज़रूरत है, और उसके लिए इनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। आज आप देखो, आटे का जो मसला था उसमें करप्शन लोग कह रहे हैं, ये है वो है, तो इसमें ये अपने आप को साबित करना पड़ेगा। हज़रत इमाम अबू हनीफा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था अपनी टीम को, वो तबलीग के लिए जा रहे थे, वो कहते थे कि मुँह से नहीं बोलना, मुँह बंद रखना, मुंह बंद रखने में अपना किरदार से शो करना कि मैं क्या हूँ। अपना किरदार शो करे अगर हर कोई बंदा, तो फिर ये काम बन सकता है, अदरवाइज ज़ुबानी नहीं। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं टीवी पर, कितने शोर शराबे होते हैं, ये सारा कुछ गलत है। ये अवाम में क्या तासर जाता है, ये क्या कर रहे हैं, मुल्क के लिए क्या है? कैदी आजम को किसी ने कहा था कि 5 करोड़ ले लो, अपने मौके से बैठ जाओ, कहते हैं जी हर मुसलमान को 5 करोड़ दे दो, मैं बैठ जाता हूँ। वो लड़ते थे कौम के लिए, ले लड़ते हैं, अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। फिक्र इमरान खान को है या मौजूदा हुकूमत को है अवाम की? फिक्र इमरान खान को है, इमरान खान को है। उन्होंने तो अपने मुकदमे वगैरह बचाने हैं ना, फिर बचा लिए। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया।